टेलीग्राम ऐप के जरिए ब्लैकमेल करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 5 गिरफ्तार। टेलीग्राम के जरिए भोले भाले लोगों को मैसेज भेजकर कराते थे न्यूड लड़कियों की वीडियो दिखाकर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर युवकों को करते थे ब्लैकमेल। यदि आपके पास कोई महिला से दोस्ती या बातचीत करने का मैसेज आए तो हो जाइए सावधान, क्योंकि हो सकता है वह अश्लील वीडियो दिखाकर आपसे अश्लील बातें करें और फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सोशल मीडिया पर वायरल करने के नाम पर आपको ब्लैकमेल करके लाखों रुपए ऐंठ लें। राजधानी दिल्ली के साउथ दिल्ली साइबर सेल पुलिस टीम ने टेलीग्राम ऐप के जरिए ब्लैकमेल करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो कि इसी तरीके से युवकों को ब्लैकमेल कर लाखों रुपए ठगता था। पुलिस की गिरफ्त में कैद यह है वह शातिर ठग, जो कि टेलीग्राम ऐप के जरिए लोगों को अश्लील मैसेज या महिला से दोस्ती करने के मैसेज भेजते थे और फिर जब युवक बात करता था तो यह लोग उस युवक को अश्लील वीडियो दिखाकर उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेते थे और फिर वह रिकॉर्डिंग युवक को भेजकर उसे ब्लैकमेल कर लाखों रुपए ठगने का काम करते थे। साउथ दिल्ली के साइबर थाने की पुलिस को इसी तरीके की एक शिकायत मिली। अपराध की गंभीरता को भांपते हुए ACP ने साइबर पुलिस इंस्पेक्टर अरुण कुमार वर्मा के नेतृत्व में टीम का गठन किया, जिसमें SI संजय सिंह हेड कांस्टेबल, सुनील कुमार, अनूप रजनीश, रामवीर सिंह और कांस्टेबल दीपक कुमार को शामिल किया गया। पुलिस टीम ने जांच शुरू कर दी, जिसमें इस गिरोह ने एक ही व्यक्ति से कई बार में काफ़ी मोटी रकम ऐंठ ली थी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर मोबाइल नंबर के जरिए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने जब मामले की तफ्तीश करी तो एक आरोपी दिल्ली के द्वारका इलाके से धर दबोचा और फिर उसके अन्य 4 साथियों को कोलकाता से गिरफ्तार कर डाला। पुलिस के मुताबिक इस बैंक के पास से कैश और मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, साथ ही कई लोगों के साथ की गई चैट भी सामने आई है, जिसमें यह लोगों को ब्लैकमेल करने का काम करते थे और फिर उनसे लाखों रुपए की कीमत ठग लेते थे। फिलहाल पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी है कि पहले किन किन लोगों से इन्होंने ब्लैकमेल करके ठगी को अंजाम दिया है। दिल्ली से शहनवाज खान की खास रिपोर्ट। साइबर पुलिस स्टेशन काफ़ी दिनों से बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और हमने पीछे काफ़ी अच्छे केसेस वर्कआउट किए हैं। इस पर्टिकुलर केस में मैं कंप्लेनेंट का नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूंगी फॉर द सेक ऑफ प्रिवेसी, लेकिन इसका जस्ट ये है कि कंप्लेनेंट ने हमें कंप्लेंट दी साइबर पुलिस स्टेशन में कि इसको टेलीग्राफ के माध्यम से एक एडवर्टीजमेंट मिला था जिसमें कि ही कैन सी न्यूड गर्ल्स एक्सेट्रा ऑन व्हाट्सएप, तो इसने उस पर लिंक पे क्लिक किया एंड ही कुड सी इट, अवेल इट। अवेल करने के बाद इसको व्हाट्सएप मैसेज आता है किसी नंबर से और उससे पैसे की डिमांड की जाती है कि 1 लाख रुपए दे दो, वरना जो है तुम्हारी ये रिकॉर्डिंग मेरे पास है, ये वीडियोस देखते हुए इसको सोशल मीडिया पे हम पब्लिश कर देंगे। ये प्रेशर में आकर के बदनामी के डर से बचने के लिए शुरू में तो ये पैसे दे देता है, उसके बाद ये लगातार ये चलता रहता है, इसको लगातार इस तरीके के एक्सटॉर्शनिस्ट थ्रेटनिंग मैसेजेस आते रहते हैं व्हाट्सएप पे जिसमें पैसे की डिमांड की जाती है। ये फिर फाइनली साइबर पुलिस स्टेशन आता है और कंप्लेंट देता है। इस कंप्लेंट के आधार पे हमारी टीम पहले तो FIR रजिस्टर करती है, उसके बाद रेलेवेंट सेक्शंस में, उसके बाद हमें अपनी जो भी टेक्निकल सर्विलेंस है उसके थ्रू हम ये पाते हैं कि ये जो अक्यूज़ हैं ये वेस्ट बंगाल से ऑपरेट कर रहे हैं और हमारी टीम वेस्ट बंगाल जाती है एंड वी ट्रेस द अक्यूज्ड और इनमें 5 लोगों का हाथ है। 5 लोगों को हम अरेस्ट करते हैं, इनसे रिकवरी भी होती है, रिकवरी इनके मोबाइल फ़ोन्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स में वो सारे चैट्स के डिस्क्रिप्शंस हैं विच आर अवेलेबल विद अस। मामले को विस्तार पूर्वक इंस्पेक्टर बताएंगे क्योंकि ये क्लोजली इसको मॉनिटर कर रहे थे। अरुण मैडम, पढ़ाई लिखाई तो इनकी कुछ खास है नहीं। इनमें जो पहला नाम है वो राहुल नाहक नाम का लड़का है, ये हावड़ा में है, 20 साल इसकी उम्र है। दूसरा क्यू शुभम सिंह है, ये भी हावड़ा वेस्ट बंगाल का रहने वाला है, 22 साल इसकी उम्र है, 12वीं पास है ये, ओरिजिनली ये छपरा बिहार से है। तीसरा लड़का आनंद सिंह, ये ओरिजिनली अकीलपुर बिहार से है, इसकी भी उम्र 22 साल की है और इसने भी कुछ खास पढ़ाई की नहीं है।
रौनक शॉ चौथा लड़का है, ये गाजीपुर यूपी का रहने वाला है और बंगाल में रहता है ये भी। पांचवा सूरज रजक, इसकी उम्र 24 साल है और ये भी हावड़ा बंगाल में ही रहता है, ये नेटिव है बिहार का और इसने भी 12वीं तक की पढ़ाई की। वो व्हाट्सएप नंबर वगैरह आए, उसको डिटेल लेने के बाद जो इन्फॉर्मेशन आई उसमें से एक जो एक्यूज है वो हमने द्वारका एरिया से, डाबड़ी से, उसको अप्रिहेंड किया और उसकी इंट्रोगेशन में और जो फर्दर मनी ट्रेल थी उसके बेस पर आगे के जो 5 एक्यूज हैं जो कलकत्ता से हॉर्डर्स पकड़े गए हैं उनके बारे में जानकारी मिली। तो पहले एक रोहित कुमार नाम से अप्रिहेंड किया और उसके बेस पर और बेनिफिशियरी डिटेल के जो आगे मनी ट्रेल है उसके हिसाब से ये आगे और आइडेंटिफाई किए गए। अच्छा, इन 5 आरोपियों को कॉन्टैक्ट नंबर किस तरीके से मिलते थे और कैसे अपना शिकार चुनते थे? कॉन्टैक्ट नंबर तो इन्होंने टेलीग्राम में ग्रुप जोड़ रखा था, तो उसमें टेलीग्राम में होता ये है कि आदमी अपने आप ही अपने को ऐड कर सकता है और व्हाट्सएप में तो किसी ग्रुप एडमिन को ऐड करना पड़ता है, लेकिन टेलीग्राम में आदमी अपने आप ही अपने को ऐड कर सकता है किसी भी ग्रुप में और उसका पार्ट बन सकता है। तो जो कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट ने अपने को उसमें ऐड कर लिया और इस तरह उनके कॉन्टैक्ट में आया। उन्होंने चीटिंग करने के लिए टेलीग्राम में एक ग्रुप बना रखा था और जिसमें ये मैसेज डालते थे, तो ये सर्च करते हुए कंप्लेनेंट उस ग्रुप को तक पहुंचा और अपने को ज्वाइन करा करके और फिर इनके ट्रैप में आ गया। इसमें जो आरोपी थे सारे लड़की बनकर ही करते थे कि लड़की के से जो है बोलेंगे तो बात अच्छे से बन जाएंगे, क्या था ये? नहीं, ये वीडियो वगैरह जो है ना वो लड़की की दिखा देते थे उसमें और फिर मनी की डिमांड करते थे उनसे। जैसे व्हाट्सएप कॉल करी कंप्लेनेंट ने तो उसको वीडियो दिखाई गई, न्यूड वीडियो, और उसमें फिर कंप्लेनेंट को भी देख पा रहे हैं वो, तो उसको कैप्चर कर लेते थे और कैप्चर करके और फिर उसमें मॉर्फ करके उसकी फ़ोटो वगैरह और फिर कंप्लेनेंट को भेज देते और उसी के उस पर उसको डिमांड करते थे।